दो घूंघट दो मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे वाह, तूने तो एकदम से ही छक्का मारा है आरती। अपने चारों बेटों की जिम्मेदारी से एक साथ ही फ्री हो गई। देख लो ननद जी, मैं तो ऐसी हूँ। वो सब तो सही है, लेकिन एक बात बोलूँ मैं, तेरी चारों बहुओं में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ देख अपनी बड़ी बहुओं को, कितनी संस्कारी है, पेट तक का घूंघट किया हुआ, और दूसरी तरफ देख, इन्होंने तो आंचल का जरा सा कोना ही अपने सर पर रखा हुआ है। आरती, तू तो दो घूंघट और दो मॉडर्न बहू ले आई, लेकिन अब पता नहीं कि इसका परिणाम क्या सामने आएगा। संध्या की बातें सुनकर आरती को भी थोड़ी सी चिंता हुई। दीदी, क्या मैंने गलत किया दो मॉडर्न दो घूंघट वाली बहुएं लाकर? अब ये तो राम जाने। वैसे तू अभी से ही ज्यादा परेशान मत हो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कभी भी किसी के चरित्र को उसके पहनावे से जज नहीं करना चाहिए। आरती अपनी ननद की बातों पर बस ऐसे बोलकर फंक्शन में ही लग गई। अरे आपने खाना खाया? वो सभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, लेकिन उसे अपनी ननद की बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इसीलिए वो आहिस्ता से रिया और रीमा के पास गई और अपने ही हाथों से उनके सर पर आंचल ढक दिया, जिससे रिया और रीमा ने उसी सेकंड के अंदर वापस अपने सर से वो घूंघट हटा दिया। सासू माँ, आप पागल हो गई हो क्या? बहू, शादी के दिन सभी दुल्हन सर पर आंचल रखती ही है। वो दौर गए, अब ऐसा कुछ नहीं होता, समझी आप? आरती अपनी बहुओं के पास से बस मुंहसा बना कर आ गई। उसे अपनी बहुओं के लक्षण पहले ही दिन नजर आ गए थे और वो अपनी आगे की जिंदगी के लिए चिंतित भी थी। इसी तरह से फंक्शन का पहला दिन खत्म हुआ और आज की सुबह चारों ही बहुओं की पहली रसोई थी। दोनों घूंघट वाली बहुएं सुबह जल्दी ही जाग गई थीं। अरे बहुओं, आज तुम दोनों की ही पहली रसोई की रस्म है, सारा राशन रसोई में ही है। जाओ, जो तुम्हारा मन हो जाकर बना लो, लेकिन हाँ, मीठा बनाना मत भूलना। आरती की बात सुनकर उसकी दोनों बहू रसोई की तरफ जाने लगी कि तभी राधा ने पूछा, माँ जी, हमारी देवरानी ये रस्म नहीं करेंगी क्या? मैं नहीं जानती, वो मैडम तो अब तक शायद सो रही हैं। जब उनका मन होगा खुद ही उठकर आ जाएंगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। आरती की बातें सुन दोनों ही बहुएं रसोई में चली गईं। रीमा और रिया अभी भी अपने अपने कमरों में सो ही रही थी। उन्हें अपनी पहली रसोई की रस्म के बारे में ध्यान भी नहीं था। मैं तो खीर पूड़ियां बनाऊंगी, दीदी आप हलवा और पनीर बना देना। ठीक है। दोनों घूंघट वाली बहुएं अभी काम कर ही रही थी कि तभी रसोई में आरती आ गई। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, इतनी गर्मी में तुमने यह रसोई में भी घूंघट क्यों किया हुआ है? चलो इसे हटा दो। नहीं सासू माँ, हम इसे नहीं हटाएंगे। हमने बचपन से अपनों से बड़ों को ऐसे घूंघट में ही देखा है। हमारी माँ हमेशा घूंघट में ही रहा करती थी, इसलिए हम भी घूंघट नहीं हटाएंगे। लेकिन इससे खाना बनाने में भी दिक्कत होगी ना? नहीं माँ जी, हमें आदत है, हमें इसके बिना अजीब लगेगा। दोनों बहुओं की बात सुनकर आरती मन ही मन उनके संस्कारों से खुश हुई। कुछ देर में दोनों बहुओं की पहली रसोई का खाना बन गया और उन्होंने उसे सभी को सर्व भी कर दिया। वाह, दोनों बहुओं ने आज बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। मेरा तो मन कर रहा है कि खीर का पूरा भगोना ही खा जाऊं। सभी उनकी ऐसे तारीफ कर ही रहे थे कि तभी नींद से उठकर फ्रेश होकर शॉर्ट ड्रेसेस पहनकर दोनों मॉडर्न बहू नीचे आईं और सीधा आकर खाने की टेबल पर बैठ गईं। अरे वाह, आ गई महारानियों। अरे अभी भी क्यों आई हो, सोई ही रहती? चुप कीजिए सासू माँ, अभी हमें बहुत भूख लगी है, ये बातें बाद में करना। बेशर्मो, ये कहाँ की तमीज है, जरा देखो अपनी जेठानियों की तरफ, ये सुबह से ही अपनी पहली रसोई की रस्म में लगी हुई है। और एक तरफ तुम हो जो किसी काम की न काज की और दुश्मन अनाज की। आरती ने अपनी दोनों मॉडर्न बहुओं को बहुत सुनाया। अपनी जेठानियों की तारीफ और खुद के ऊपर डांट पड़ते हुए सुन रिया और रीमा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मन ही मन अपनी जेठानियों से बदला लेने का मन बना लिया। अच्छा, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये दोनों घूंघट वाली तो बड़ी ही शातिर निकली। अब देखना बच्चों, मैं तुमसे हमारी इस बेइज्जती का बदला कैसे लूंगी। इसी तरह से एक दिन और बीता। इस दिन दोनों ही मॉडर्न बहुएं अपनी घूंघट वाली जेठानियों को सताने का मन बनाए हुए थी।
जब राधा और मीरा दोपहर का खाना बनाकर चली गईं, तब रिया और रीमा ने आकर उनके बनाए खाने में नमक मिर्च मिला दी। थोड़ा नमक और भरो, अभी तो स्वाद आएगा। अब देखेंगे जेठानी जी कौन आपकी तारीफ करेगा। दोनों उनका खाना बिगाड़कर अपने अपने कमरों में आ गई। थोड़ी देर बाद जब सभी ने खाना खाया तो वो खाना किसी को भी पसंद नहीं आया। ये खाना है या जहर? इसमें नमक इतना ज्यादा क्यों है? हे राम, आज तो तुम दोनों ने पूरी हंडिया का ही नास ही पीट दिया। सभी ने राधा और मीरा को बहुत डांटा। वो दोनों बस चुपचाप सभी की डांट सुनती रही। इसी तरह से अब रोज रीमा और रिया अपनी जेठानियों के बनाए खाने को बिगाड़ती थी। अरे तुम्हें हो क्या क्या है, खाना बनाना भूल गई हो क्या दोनों? कितना बेकार खाना है, बस नमक ही नमक का स्वाद है। ये तो होना ही था, इतना बड़ा घूंघट बस हर चीज में सत्यानाश ही करेगा। ये गलती हमसे हुई है रिया, इसीलिए तुम इसमें हमारे घूंघट को दोष मत दो, समझी? कम से कम हम घूंघट में भी खाना तो बना ही लेते हैं, तुम्हारी तरह तो नहीं है। ओ हेलो, तुम हमारे ऊपर मत जाओ समझी, गंवार औरत। गंवार किसे बोला? तुम्हें। अच्छा अच्छा, चलो अब ये लड़ाई बंद करो। माँ जी, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बीच में ऐसे बोलने की? अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो चलो तुम भी अपने आप को साबित करो। आज मैं अपनी चारों बहुओं को एक ही काम दूंगी, जो भी बहू अच्छा खाना बनाएगी वही मेरी बेस्ट बहू होगी। तो तुम चारों तैयार हो? एकदम तैयार। ठीक है, तो अब सभी काम पर लग जाओ। आरती के बोलने पर चारों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाने लगी। वो दो दो में बटी हुई थी। मॉडर्न बहुओं की टीम अलग थी और गवार बहुओं की अलग। मीरा जरा मिर्ची लाना। जी। दोनों घूंघट वाली बहुएं तो पूरे ध्यान से अपना खाना बना रही थी, लेकिन रीमा और रिया को अभी भी अपना खाना बनाने से ज्यादा उन दोनों का खाना बिगाड़ने की चिंता थी। देख रिया, हमें मौका मिल गया, चल इनके खाने में तड़का लगाते हैं। और खीर में नमक थोड़ा और डाल रीमा, ये कम रहेगा। जब राधा और मीरा किसी काम से बाहर गईं, तभी नजर बचते ही उन्होंने उनके खाने में नमक, हल्दी, मिर्ची और चीनी डाल दी। गुड जॉब रिया, अब तो हमारा खाना ही सासू माँ को पसंद आएगा। कुछ ही देर में चारों बहुओं का खाना तैयार हो गया और वो उसे टेबल पर भी ले आईं। पहले सभी ने मॉडर्न बहुओं का खाना खाया। बस ठीक ठाक है, वैसे मैंने खीर का कभी इतना अजीब सा स्वाद नहीं खाया है। चलो तुमने कोशिश की, बस यही बड़ी बात है। तो मैंने फैसला कर लिया है, इस प्रतियोगिता की विजेता मेरी घूंघट वाली बहुएं हैं। हैं? ऐसे कैसे माँ जी, पहले इनका बनाया हुआ खाना तो खाइए। मुझे इनका बनाया खाना खाने की जरूरत नहीं है, इसे खाकर मैं अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। मैंने सब कुछ देखा था, जो जो भी तुमने इनके खाने में मिलाया था। मेरी घूंघट वाली बहुएं तो बहुत ही अच्छे से खाना बना रही थीं, लेकिन तुम वो दोनों थी जो बस शैतान की तरह इनका खाना बिगाड़ रही थी। अरे तुम्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं था क्या, जो तुमने अपना खाना स्वादिष्ट बनाने से ज्यादा इनके बिगाड़ने पर ध्यान दिया? और जब तुम खुद ही जानती हो कि ये दोनों तुमसे बेहतर हैं, तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, क्यों है ना? पर क्या पर? दोनों मॉडर्न बहुओं के पास अब बोलने को शब्द नहीं थे। वो दोनों बस शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए खड़ी थी। हमें माफ कर दो सासू माँ, जेठानी जी हमने बहुत गलत किया। हमें सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब तुम माफी मत मांगो, लेकिन हाँ, आगे से मुझे शिकायत का मौका मत देना। आरती की बात दोनों बहुओं को समझ आ गई। अब वो आरती के हिसाब से ही घर में रहती थी और उन्होंने छोटे कपड़े वगैरह पहनना भी छोड़ दिया था। घूंघट वाली बहुएं भी अब थोड़ा थोड़ा आज के जमाने को जान रही थीं और अब उन्होंने अपना घूंघट भी हटा दिया था और अब सभी मिलजुल कर रहते थे। बिन पति का सौतेला ससुराल। आओ बहू आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो, क्योंकि तुम अब से इस घर की छोटी बहू हो। शकुंतला खुशी खुशी अपनी छोटी बहू का स्वागत करती है। घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं और नई बहू के आने की खुशी मनाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब घर की बड़ी जेठानी होने के नाते चेष्टा अपनी देवरानी पर हुक्म चलाने लगती है। अरे ये क्या, इतनी देर से उठी हो? देखो देवरानी जी, ऐसा इस घर में नहीं चलेगा। हमारे घर के कुछ नियम कानून है, उन्हें समझना भी तो जरूरी है। तभी शकुंतला कहती है,
अरे बड़ी बहू ऐसे क्यों बोल रही हो, बेचारी को अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, और फिर विक्रम का भी तो कुछ हता पता नहीं है, कब चला जाए बॉर्डर पर, जब तक है यहाँ तब तक साथ ही रहने दो। हाँ माँ जी, आप तो साथ दोगी ही, आपके फौजी बेटे ने अपनी पसंद से जो शादी की है। नहीं जेठानी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने जो कहा है मैं उस बात का पालन करूंगी और रोजाना समय से उठ जाया करूंगी। हाँ देखो तो सही इसकी चालाकी, माँ जी के सामने ज्यादा अच्छी बनने के लिए कितनी जल्दी बोल रही है ये बात, ये पहले भी तो बोल सकती थी। तभी समायरा कहती है, लाओ जेठानी जी मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। बस बस बस, अब किए कराए पर अपना नाम मत थोपो, मैं खुद ही कर लूंगी। चेष्टा ऐसा कहने के बाद चुपचाप घर के काम करती है, और जब घर में कोई नहीं होता तो वह सारे काम अपनी देवरानी समायरा से करवाती। ये सिलसिला चलता रहता है, और एक दिन विक्रम को एक कॉल आती है। जी सर। कोई बात नहीं सर, एक जवान अपनी ड्यूटी कभी नहीं भूलता, मैंने बहुत पहले ही अपनी जान अपने देश के नाम कर दी थी, अब मेरी शादी से मैं बदल नहीं जाऊंगा, आप जंग की तैयारियां करवाइए, मैं आज ही निकलता हूं। ऐसा कहने के बाद विक्रम फोन काट देता है, जिसके बाद विक्रम समायरा से कहता है, देखो समायरा मैं एक जवान हूं और देश की सुरक्षा करना मेरा फर्ज है, उदास मत होना, मुझे पता है अभी शादी का एक ही महीना बीता है और मुझे जाना पड़ रहा है, लेकिन अगली बार कई महीनों की छुट्टी निकाल कर आऊंगा। ऐसा कहने के बाद विक्रम अपना बैग उठाता है और बॉर्डर के लिए निकल जाता है, जिसके बाद वह ट्रेन से सीधा बॉर्डर पहुंचता है और अपने देश के लिए जंग लड़ता है। इधर बेचारी देवरानी को जेठानी से अपने हक की जंग लड़नी पड़ती है। क्या बनाया है ये, क्या तुम्हें खाना बनाने नहीं आता, चलो अब दोबारा से सारा खाना बनाओ समझी। लेकिन जेठानी जी इस खाने में तो कोई कमी नहीं है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रही हो। चेष्टा समायरा के बाल पकड़ते हुए कहती है, देवरानी जी तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उछल रही हो, मुझे किसी भी काम में ना नुकुर पसंद नहीं है, इसलिए जो भी बोलू उसे चुपचाप कर लिया करो। चेष्टा ऐसा कहने के बाद उससे जबरदस्ती सारा खाना दोबारा बनवाती है, और घर के सारे काम भी अब वह बेचारी समायरा से ही करवाती है। पता नहीं क्यों जेठानी जी मेरे साथ ऐसा करती हैं, मैंने आज तक उन्हें कभी उल्टा जवाब तक नहीं दिया, क्या मैं इसके बारे में माँ जी को बता दूं, क्या पता वो मेरी मदद करें और जेठानी जी को ऐसा करने से रोकें। समायरा बहुत ज्यादा परेशान थी, वो ऐसा सोचकर अपनी सास के कमरे के बाहर पहुंच जाती है, जिसके बाद वह अपनी सास का दरवाजा बजाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी जेठानी आ जाती है। ओहो देवरानी जी, सासू माँ के कमरे में अपनी जेठानी की बुराइयां करने जा रही हो, लेकिन रुको, जाने से पहले मैं तुम्हें इस बात का एहसास तो करवा दूं कि तुम जो भी करने जा रही हो उसका नतीजा क्या होगा। चेष्टा ऐसा कहने के बाद उसके हाथ में जो गर्म खौलते हुए पानी का पतीला होता है उसमें वह समायरा का हाथ डाल देती है, गर्म पानी से समायरा का हाथ जल जाता है। जेठानी जी आप ये क्या कर रही हो, मेरा हाथ जल रहा है, छोड़ दो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है जेठानी जी, नहीं जाऊंगी माँ जी के कमरे में मैं अब। लगता है तुम समझ गई हो, मेरी बात मानो, जाओ चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। चेष्टा के कहने पर समायरा रोते हुए अपने कमरे जाती है, जिसके बाद वह अपने बिस्तर पर बैठकर अपने पति विक्रम और उसके साथ बिताए हर लम्हे को याद करने लगती है। जी आप मुझे इस बिन पति के सौतेले ससुराल में छोड़ के क्यों चले गए, काश मैं आपके पास होती, आपके साथ होती, कम से कम मुझे ये दिन तो ना देखने पड़ते। समायरा रोते हुए सो जाती है। इसी के चलते अब उसकी जेठानी ना तो उसे खाने के लिए पूछती है, ना ही उसे चैन लेने देती है। अगले दिन जब सुबह समायरा की नजर खुलती है तो वह उठते ही सबसे पहले सभी के लिए नाश्ता और घर की सफाई कर देती है। कुछ देर में अपनी सास को एक बैग के साथ आते हुए जब समायरा देखती है तो वह अपनी सास से पूछती है, कहाँ जा रही हो माँ जी इस बैग को उठाकर। अरे बहू तुम्हें नहीं पता क्या, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ, कई समय से सोच रही थी, आज फाइनली मुझे तीर्थ यात्रा करने का समय मिल गया। हे भगवान, अगर माँ जी भी चली गई तो मेरी जेठानी मुझ पर बहुत जुल्म ढाएगी और अत्याचार करेगी, अभी जेठानी जी भी नहीं है, माँ जी को उनकी असलियत के बारे में बता देती हूँ। समायरा ऐसा सोचकर अपनी सास के पास जाती है और उसे सब सच बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहां उसकी जेठानी चेष्टा आ जाती है। चेष्टा अपनी आंखों से समायरा को घूरते हुए देखती है, समायरा बेचारी बहुत डर जाती है,
तभी चेष्टा कहती है, अरे वाह माँ जी, आप तो तैयार भी हो गई, बहुत अच्छी बात है, चलो फिर आपको कैब तक छोड़ आती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे मत छोड़ के जाइए जेठानी जी के साथ, ये मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। बिन पति के सौतेले ससुराल में मेरा बहुत बुरा हाल है माँ जी, अब मैं आपको कैसे बताऊं। समायरा की आंखों में पानी भर आता है और वह रोने लगती है। कुछ ही देर में चेष्टा वापस घर में आती है और अपनी देवरानी से कहती है, क्यों देवरानी जी, आपको मेरी बात समझ नहीं आई? अब कौन बचाएगा तुम्हें यहां पर? ना तो पति है तुम्हारा, ना ही सास। इस घर में आने के बाद तुमने मुझसे मेरी जगह ही छीन ली, इसका बदला लेना तो बनता है। चेष्टा ऐसा कहने के बाद एक बेल्ट लेती है और उस बेल्ट से अपनी देवरानी को बहुत मारती पीटती है। अब चिल्लाओ देवरानी जी, कोई नहीं आएगा यहां तुम्हारी मदद करने। नहीं जेठानी जी, मुझे छोड़ दीजिए, मैं आज की बात किसी से कुछ नहीं कहूंगी, मुझे छोड़ दीजिए। किसी से बोलने लायक गुंजाइश में छोड़ना ही नहीं चाहती मैं। ये लो पेन और पेपर और लिखो इसमें कि तुम अपने पति को धोखा दे रही थी और अब तुम अपने आशिक के साथ भाग रही हो। नहीं जेठानी जी, ऐसा मत करवाइए, मुझसे ये नहीं होगा। चेष्टा समायरा को बेल्टों से मारने लगती है, जिसके चलते बेचारी समायरा को ना चाहते हुए भी खत लिखना पड़ता है, जिसके बाद चेष्टा उसे उसका बैग लाकर देती है और घर छोड़कर जाने के लिए कहती है। बेचारी जेठानी अपना बैग लेकर घर छोड़ते जा रही होती है, लेकिन तभी उसका पति विक्रम छुट्टियां लेकर घर वापस लौट आता है। समायरा, कहां जा रही हो तुम? देवर जी, इस बच्चलन लड़की को मत रोको, ये देखो ये लड़की कितनी जलील है। चेष्टा खत विक्रम को दे देती है, विक्रम उस खत को पढ़ता है और उसे अचानक से गुस्से में फाड़ देता है, जिसके बाद वह एक जोरदार तमाचा अपनी भाभी को मारता है। ये चालाकी मेरे सामने मत चलाओ भाभी, समायरा ने आपसे पहले मुझे आंसुओं से भरे हुए खत को भेजकर सारी सच्चाई बता दी थी। और समायरा, ये बिन पति का सौतेला ससुराल नहीं बल्कि पति के साथ तुम्हारा अपना ससुराल है, जहां तुम्हें हक से रहना चाहिए। और भाभी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब इस घर से समायरा नहीं आप जाओगी। विक्रम उस दिन के बाद सभी घर के लोगों को चेष्टा की सच्चाई बताता है, जिसके बाद चेष्टा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद चेष्टा को सभी एक आखिरी मौका देते हैं। अब चेष्टा अपनी देवरानी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करती और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है।